हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्तों। मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज के वीडियो में लाया हूं आपके लिए एलजी क्राफ्ट सिरप का रिव्यू। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इस सिरप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे यूज़ करना है, किस परेशानी के लिए यूज़ करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आप देख सकते हो इस तरह की पैकिंग होती है इस सिरप की, और आपको इसका MRP है वो मिल जाता है 140 रुपये। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है एलेम्बिक। और यहाँ पर इसके केमिकल कंटेंट के बारे में जाने तो इसमें है सोडियम अल्जिनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ओरल सस्पेंशन। तो यहाँ पे एक बार एक क्वांटिटी भी जान लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम अल्जिनेट 250 मिलीग्राम और सोडियम बाइकार्बोनेट 133.5 मिलीग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 80 मिलीग्राम। तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी देख ली है। इसकी जो पैकिंग की बात करें हम तो 150 ml की पैकिंग में ये आपको सिरप मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि काम क्या करती है सिरप, किस परेशानी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल जो है वो सीने में जलन होना, पेट में गैस बनना, एसिडिटी, इसके अलावा कब्ज बनना, पेट में जलन आदि परेशानी में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो पेट में भारीपन, पेट में चुभन रहना, हल्का हल्का पेट में दर्द रहना, पेट दर्द जो है वो रुक रुक के होना, इस तरह की जब समस्या देखी जाती है तब जो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, इस सिरप का इस्तेमाल जो है वो जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं। शुगर फ्री ये सिरप आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो हर्निया में भी किया जाता है। काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं हर्निया में भी, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। तो उल्टी, जी मिचलाना, चक्कर, चेहरे पे दाने होना, आंखें लाल होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें कि किस दवा के साथ में ये जो है रिएक्शन कर सकती है, तो उनके बारे में बताएं तो डाइऑक्सीसाइक्लिन के साथ में इसका जो ड्रग इंट्रैक्शन दिखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिफ्रोफ्लोक्सासिन, लिथियम, फ्रोसेमाइड, क्लोरप्रोमाइड, ये कुछ दवाइयां हैं जिनके साथ में ये जो ड्रग इंट्रैक्शन कर सकती है। इसकी डोज की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी जो डोज है वो अडल्ट जो हैं यानी कि 16 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो 10-10 ml दिन में 2 बार तक, या फिर जो है कंडीशन के हिसाब से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्रेग्नेंट महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं के लिए भी काफ़ी हद तक सेफ है, बट फिर भी डॉक्टर की सलाह इसमें ज़रूर से लें। ये सिरप आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। इस सिरप के बारे में इतनी थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।